अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मैं आपको दुखी नहीं करना चाहता था भाभी। मैं जानता हूं आप पहले इतनी दुखी हैं। आपके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया है और वो वहां खैर सब जानते हैं भाभी कि संतु हितेन भाई और सूरज से बहुत प्यार करती है। एक मैं और अर्जुन ही उसे खटकते थे। आपको पता है अर्जुन और मैं अक्सर इस बारे में बात करते थे और उसे बहुत बुरा लगता था। समझ नहीं पाता था वो कि उसके साथ ये भेदभाव क्यों किया जाता है। और ये तो आप भी जानती हैं खेमी भाभी कि अर्जुन के आने से संतु बिल्कुल खुश नहीं थी। आपको और अर्जुन भाई को इस घर से निकालने के लिए भी संतु ने फैसला ले लिया था, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता है कि बार बार उसने अर्जुन पर वार क्यों किया। क्या अगर संतु ने अर्जुन को सिर्फ इसलिए मारा कि उसने अपने पिता पर हमला किया था तो उसे एक बार मारती ना, लेकिन उसने बेरहमी से तीन तीन बार चाकू से वार किए। ये मैं नहीं कह रहा हूं भाभी, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है। ये देखिए, यही उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट की फोटोकॉपी है जिसमें ये साफ साफ लिखा है कि संतु ने अर्जुन पर एक बार नहीं तीन तीन बार बेरहमी से वार किया। इंसान एक बार किसी पर हमला कर सकता है भाभी, उसे रोकने के लिए, किसी को बचाने के लिए। दूसरी बार भी हमला कर सकता है ताकि वो इंसान शक्तिहीन हो जाए, अपने आपे में आ जाए, लेकिन तीन बार भाभी, तीन बार जब कोई इंसान किसी के ऊपर हमला करता है तो वो इंसान चाहता है, वो चाहता है कि जिस पर हमला किया जा रहा है उसकी उसकी हत्या हो जाए। और फिर ये तो हम सोचते हैं कि उस दिन अर्जुन और पप्पा के बीच में झगड़ा हुआ, अर्जुन ने पप्पा के ऊपर वार किया, लेकिन उस कमरे में क्या हुआ भाभी ये कोई नहीं जानता। पप्पा आज बेहोश पड़े हुए, जब तक वो होश में नहीं आते हमें से किसी को नहीं पता चलेगा कि आखिर उन दोनों के बीच हुआ क्या था। शायद पप्पा को सब कुछ याद आ जाए, शायद कुछ याद ना है। ये सब मैं आपको नहीं बोलना चाहता था भाभी। अगर मेरा बस चलता तो मैं अपने अंदर दफन करके रखता ये बात, लेकिन मुझसे सहन नहीं होता। नहीं देख सकता हूं मैं जब मैं अपने भाई के खूनी को इस घर में खुश देखता हूं। एक तरफ संतु है जो खून करके भी इस घर में निर्दोषी की तरह घूम रही है, और एक तरफ आप है भाभी जिससे उसका सब कुछ छिन गया। आपके पेट में मेरे भाई की निशानी है भाभी, लेकिन ये बच्चा कभी नहीं देख पाएगा कि उसका पिता था कैसा। अब बताइए भाभी, बोली आपकी मैं कैसे चुप रहता, कैसे छुपाता आपसे ये सारी बातें, और जब वो बात मुझे याद आती कौन सी बात, क्या जानते हो तुम मौलिक? बोलो मौलिक कौन सी बात, मौलिक भाई बताइए आप क्या जानते हो। कुछ भी नहीं भाभी,
पहले बहुत कुछ बोल चुका हूँ और तो आपकी बहन है ना मौलिक, कोई भगवान के लिए मुझे बताए हो क्या जानते हो। अगर मैंने आपसे कह भी दिया भाभी तो भी आप मेरी बात पे भरोसा नहीं करेंगी, खून है ना वो आपका। मौलिक भाई बताओ मुझे आप क्या जानते हो, बताइए मौलिक भाई बताइए। नहीं बोल सकता भाभी, मेरी जुबान जल जाएगी, बात इतनी घिनौनी है। बताइए मौलिक भाई क्या। अरे क्या बताऊं मैं भाभी आपको, किस मुंह से बताऊं कि आपकी बहन ने आपके बारे में क्या कहा। सुनना चाहती हैं आप तो सुनिए, संतु ने अर्जुन से कहा कि आपके पेट में हितेन का बच्चा है, लेकिन अर्जुन ने इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं किया। अर्जुन और संतु के बीच में इसी बात को लेकर बहुत बड़ी बहस हुई। अर्जुन तो पप्पा को यह बताना चाहता था कि संतु की सोच कितनी घटिया और कितनी घिनौनी है, लेकिन संतु ने अर्जुन को रोका, अर्जुन वहां से चला गया और संतु भी उसके पीछे पीछे गई। ये सब मैंने सुन लिया, लेकिन इसके बाद क्या हुआ भाभी कोई नहीं जानता। अच्छा ये सारी बातें तुमने मुझे बता दी। मैं ये सब आपको नहीं बोलना चाहता था भाभी, लेकिन अब आप संतु से प्लीज कुछ मत कहिएगा। फिक्र मत करो, मैं ये किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी, क्योंकि ये बात मैं मानती ही नहीं। मैं क्या लगा मैं तुम्हारी बातें मान लूंगी, विश्वास कर लूंगी मैं? अरे मैंने जिस कोख से जन्म लिया संतु ने भी उसी कोख से जन्म लिया है। वो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी, मुझे गुस्सा दिलवा सकती है, मेरा अधिकार छीन सकती है, अपना ओहदा बढ़ाने के लिए मेरा ओहदा कम कर सकती है वो, पर मेरी इज्जत, मेरी इज्जत पे उंगली उठाना तो दूर वैसे सोच भी नहीं सकती। संतु का भले ही सब लोगों से लगाव हो पर वो मेरी बहन। सही कहा तुमने मौलिक, ये सब बातें बोलने से पहले तुम्हारी जुबान जल जानी चाहिए थी। मुझ पर उंगली उठाना, मेरा नाम खराब करना संतु ऐसा कर ही नहीं सकती। तुम तो क्या, अगर भगवान भी आकर मुझसे बोले ना तो भी मैं नहीं मान सकती। क्यों क्यों तुम मेरी बहन को मुझसे अलग करना चाहते हो मौलिक, क्यों? और एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर तुमने दोबारा ये बात बोलने की कोशिश की कि संतु ने मेरे अर्जुन को भड़काया कि मेरे पेट में हितेन का बच्चा है तो मैं ये बात नहीं मान सकती, मैं ये बात कभी नहीं मान सकती। हाँ मैं उससे गुस्सा हूँ, मैं उससे नाराज हूँ, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी, क्योंकि उसने मेरे पति की हत्या की है। तो वो मेरे चरित्र की हत्या करेगी, मैं ये कभी नहीं मानूंगी, नहीं मानूंगी मैं इसे। समय आ गया है वो करने का जो मुझे करना चाहिए। क्या कहा तुमने बैनर से? मैंने तू क्यों है यहाँ पर? चली जा तू यहाँ से, मैं तेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहती। संतु चली जा यहाँ से, संतु तू जा यहाँ से। मौलिक ने जो भी कहा मैंने उसकी बात पे विश्वास नहीं किया। हाँ मैं तुझसे अभी भी गुस्सा हूँ, लेकिन मैंने तेरा अपमान नहीं होने दिया संतु, क्योंकि मुझे पता है कि तू कितनी भी गलत हो लेकिन इतनी नहीं गिर सकती कि तेरी बहन को कोई बच्चलन बुलाए। किसने कहा था तुमसे अपना मुंह खोलने के लिए? मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। अर्जुन को मेरे बने मिला, मेरी बहना, तुम कौन हो बीच में बोलने वाले? क्या जरूरत थी तुम्हें बहना को बताने की? हाँ
संतु संतु उधर देख, बोल क्या हुआ, बता सच क्या है, बोल संतु, बोल जो मौलिक बोल रहा है वो झूठ है, बोल ना संतु सच। हाँ हाँ ये सच है, कहा था मैंने अर्जुन को तुम्हारे पेट में इतने भाई का बच्चा है। मुझे पता है तू क्या कह रही है? अच्छी तरह से पता है मुझे कि मैं क्या कह रही हूं। हाँ मैंने ही कही थी ये बातें अर्जुन से, पर इसे इसे किसने कहा था तुम मुंह खोलने के लिए कि ये झूठ बोल रही है? मेरे विश्वास कीजिए, ये बच्चा मेरा और अर्जुन का, वही झूठ बोल रही है। अब सब लोग खेनी घबरा मत बेटा, तू घबरा मत, हमें विश्वास है तुझ पे, हमें पता है तेरे पेट में जो बच्चा है ना ये तेरा और अर्जुन का है, पवित्र है तू, हमें पता है। अपवित्र अगर इस घर में कोई है ना तो ये है, ये संतुड़ी, इसकी सोच है। छी, विश्वास नहीं होता अपने कानों पे, अपनी आंखों पे। और करो विश्वास इस पे, और करो भरोसा इसका। अरे इसको इतना प्यार दिया, घर की मालकिन बनाया, किस लिए? ये दिन दिखाने के लिए? देखो बात देखो, ये इसका असली चेहरा है, ये जो प्यार वाला पहला चेहरा था ना वो छल था, छल कपट था, और ये सब इसने इसलिए किया ताकि एक दिन ये हम सब पे राज कर सके। अरे जो बहन अपनी सगी बहन के बारे में ऐसा सोचती है वो हमारे बारे में क्या सोचेगी? अरे हम तो पराए हैं। संतुड़ी तूने ये सब इसलिए किया क्योंकि तू नहीं चाहती थी खेमी इस घर में आए, इस घर की बहू बने। हाँ यही चाहती थी मैं कि बेना इस घर में बहू बनकर ना आए, मैं नहीं चाहती थी कि मेरे हक का कोई बंटवारा हो, मैं चाहती थी कि सब कुछ मेरा हो। और मैं सफल हो रही थी, पर ये बीच में आ गया। चुप चुप, इसके आगे कुछ मत कहना। कितनी गिरी हुई लड़की है तू, तेरे गिरने की कोई सीमा ही नहीं, निर्लज्ज। अरे अपने स्वार्थ के लिए तूने हितेन और खेमी के बारे में इतनी बुरी बात की, क्यों? क्योंकि मैं चाहती थी कि अर्जुन से धक्के मार के घर से बाहर निकाल दे। पर नहीं, पता नहीं इसने अर्जुन को क्या घूंटे पिलाई थी, उल्टा मेरी शिकायत करने चला वो मालिक से। इसने मैंने एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि तीन बार छुरा फोपा उसके पीठ में, मेरी शिकायत करने चला था। क्या तुमने ऐसा सुन तो? क्या चाहती थी तुम? इस घर में तुम्हें इतनी इज्जत मिली, इतना प्यार मिला, हम सब ने तुम्हें माँ का दर्जा दिया, सबसे बढ़कर माना। माँ का दर्जा कितना ऊंचा होता है? नहीं बनना मुझे माँ। अरे ये कोई उम्र है मेरी माँ बनने की? उम्र तुम सबसे छोटी हूँ मैं, छोटे घर की हूँ, पर किसी का झूठा नहीं खाती मैं, किसी और के पैदा किए बच्चों की माँ क्यों बनूं मैं? मेरे भी कुछ सपने हैं, मुझे केवल औदा चाहिए था, शक्ति चाहिए थी, मालकिन की ताकत चाहिए थी, पर हमेशा कोई ना कोई मेरे राह के बीच में आ जाता। इसलिए मैंने सोच लिया क्या मेरे रास्ते में जो भी आएगा उसे मैं एक चाटा मैंने तुझे नहीं मेरी बेवकूफी पर मारा है। तुझे मैंने सुभद्रा का दर्जा दिया, क्यों
ये समझ के कि तू अच्छी औरत है। मैंने तुझे अपनी बेटी मानी, ये मेरी गलती थी। ये हितेन, जब से तुझे मां माना है तब से सुभद्रा को भूल गया। यहां तक वो श्राद्ध में भी नहीं बैठा। क्यों? ये कहता है कि मेरी मां जिंदा। एक कद्दू, जब से तू आई है अपनी नानी को भूल गई। वो बीरवा सूरत तेरे नाम पर जीते। ये बात तूने सबको कही ना, उनको तो ठेस लगी है। लेकिन मैं टूट गई हूं। लोग कहते हैं बुढ़ापे में नजर कमजोर हो जाती है, लेकिन लोगों को पहचानने में शक्ति बढ़ जाती है। मेरा ऐसा नहीं हुआ, मैंने तुझे पहचानने में बहुत बड़ी भूल कर दी, बहुत बड़ी भूल कर दी। ले जाओ यहां से, मैं उसका मुंह भी देखना नहीं चाहती। भूल गई नीचे। जो काम इसने किया ही नहीं है उसका इल्जाम अपने सर पर क्यों ले रही है? अर्जन को हितेन और खेमी के बारे में आज तक संतु ने कुछ नहीं कहा और कह भी नहीं सकती। तो मैंने कहा था, मेरी लगाई आंख थी वो, तो संतु अपने सर पर इल्जाम क्यों ले रही है? चल रहा है इसके दिमाग में? हाँ? क्या चाहती है? जो परिवार ये मानने को नहीं तैयार था कि संतु कातिल हो सकती है, वही परिवार आज उसे जेल भेजने वाला है। और ये अपने बचाव में कुछ नहीं बोल रही। हाँ।
कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो हुआ था उस दिन अर्जुन और पप्पा के बीच में। कुछ ऐसा उस कमरे में हुआ है जो संतु किसी को बताना नहीं चाहती है। लेकिन क्या क्या हुआ था वहां? कोई और माने ना माने, मुझे विश्वास हो गया है कि अर्जुन का खून संतु ने नहीं किया है, अर्जुन का कातिल कोई और है।